Hello students, a very warm good morning to all of you. I hope you kids are all safe and fine at home. Okay children, I hope you all are ready also for today's class. So let's begin our class for today. We are doing lesson number 2 from our English literature book. Name of the lesson, Sleepy Mr. Sloth. We are doing the book activities of this lesson. Today we will be doing the book activity which is given in page number 40 of your book. Okay? हम Sleepy Mr. Sloth कर रहे हैं part 2 हमारी English literature की किताब से और हम आज activity करेंगे page number 40 का. ठीक है? तो आप बच्चे book open करिए और page number 40 पे आ जाइए. Page number 40. This is your page number 40. Okay? We are going to do this exercises today. So let's begin. The first one is one and many. एक और एक से ज्यादा. ठीक है, ये एक्टिविटी उसी पर निर्धारित है. इस वन एंड मैनी के बेसिस पे ही हमारे दो एक्टिविटीज हैं. ओके, बेस्ड ऑन वन एंड मैनी होंगे दिस टू एक्टिविटीज आर देयर. वी लेट्स सी द एक्टिविटीज. द फर्स्ट वन इज लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ पार्क एंड आंसर द क्वेश्चन. यू कैन सी दिस इज अ पार्क. And some questions are being asked on the basis of this picture. ठीक है, इस पिक्चर के आधार पर कुछ सवाल नीचे पूछे गए हैं आपसे. आप बच्चों को उसका आंसर करना है. ठीक है, हम हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या है? How many boys are playing in the park? How many boys मतलब कितने लड़के प्ले कर रहे हैं इस पार्क में. How many boys are playing in this park? कितने बॉयज खेल रहे हैं इस पार्क में. चलिए देखिए, वन टू थ्री एंड फोर. चार बॉयज खेल रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, वन टू थ्री फोर. तो यहाँ पे देखिए आपके पास सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, टू बॉयज, फोर बॉयज, सिक्स बॉयज. तो फोर बॉयज है, चार लड़के हैं ना. तो आप बच्चे यहाँ बॉक्स पे आके ऐसे टिक लगा दिए, देख रहे हो मैंने यहाँ लगाया टिक. इसी तरीके से आप बच्चे भी इस बॉक्स पे आके टिक लगा दीजिए राइट का, क्योंकि आपका राइट आंसर है फोर बॉयज है इस पार्क के अंदर. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी गर्ल्स आर ऑन द स्विंग. स्विंग यानी कि झूला. कितनी गर्ल्स हैं झूले पे, आपको कितने गर्ल्स दिख रहे हैं इस पार्क में. वन एंड टू. टू गर्ल्स हैं तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तीन ऑप्शन दिया है आपको, वन गर्ल, टू गर्ल्स और थ्री गर्ल्स. इन्होंने क्या बोला है, एक गर्ल थी, दो गर्ल थी, तीन गर्ल्स थी. तो कितने गर्ल्स थे टोटल यहाँ पे, कितने हैं, वन एंड टू. तो टू गर्ल्स का बच्चे यहाँ पे आके टिक लगा दीजिए टू गर्ल्स पे. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि नेमिंग वर्ड्स अगर सिंगल है, एक है, और हमको उस नेमिंग वर्ड को एक से अधिक करना है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम एस या ईएस लगाते हैं उनके पीछे. तो कब लगता है एस और कब लगता है ईएस, ये आपको देखना है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन और मेनी. मतलब नेमिंग वर्ड्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, अब नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी वस्तु का नाम. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन और मेनी. ये नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी होते हैं. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन आल्सो एंड नेमिंग वर्ड्स कैन आल्सो बी मेनी. ओके, वी मेक सम चेंजेस टू द वर्ड टू शो देयर इज मोर देन वन. और जब कोई एक चीज होती है, एक नेमिंग वर्ड होती है, उसको अगर हमको एक से ज्यादा करना है तो हम कैसे उसमें चेंजेस लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी आर डबल यू ट्री, ये नेमिंग वर्ड है. आप जैसे एक ट्री है तो हमने लिख दिया टी आर डबल यू ट्री. अब मुझे इस ट्री को बहुत सारे ट्रीज में बदलना है तो मुझे उसमें चेंजेस करना पड़ेगा. जब सिंगुलर से प्लूरल पे जाऊंगी तो ट्री का ट्री नहीं लिखेंगे हम, ट्री तो एक ट्री के लिए हुआ टी आर डबल यू ट्री. अब एक से ज्यादा पेड़ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगी उसको एक से ज्यादा करने के लिए, आई विल राइट टी आर डबल ई एंड आई एड एन एस एट द बैक टू मेक इट मेनी, है ना. तो ये चेंजेस हम कैसे लाते हैं, दैट विल बी वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. टू, अगर हमारे पास एक चीज है उसको
बहुत में बदलना है, तो हम उस चेंजेस कैसे करते हैं, उनमें या तो एस जोड़ देते हैं पीछे या उनके पीछे हम ईएस जोड़ देते हैं। तो आपको कब लगता है एस और कब लगता है ईएस, आप बच्चों को कैसे पता चलेगा? ओके, टू मेक नेमिंग, टू चेंज वन नेमिंग वर्ड इनटू मेनी, यू एदर ऐड एन एस एट द बैक और यू ऐड एन ईएस एट द बैक। ठीक है, कोई भी वन नेमिंग वर्ड है उसको आपको अगर बहुत सारे मेनी में कन्वर्ट करना है, मेनी में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, वो नेमिंग वर्ड के पीछे या तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट, यू विल ऐड एन एस और यू विल ऐड एन ईएस। पर वो कब लगता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बी ओ वाई बॉय, एक बॉय है, इसको मेनी में हमको चेंज करना है, बहुत सारे बॉयज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे उसके पीछे एस ऐड कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा मेनी में, क्या ऐड करोगे ई एस, क्यों
ये खत्म किससे हो रहा है, एंड किससे, किस लेटर से हो रहा है, सी एच से। सो जिन शब्दों के पीछे सी एच होता है उसको हम मैनी में बदलने के लिए पीछे क्या लगाते हैं, ई एस। ठीक है, आपको जब ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ना, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसके पीछे वाले लेटर देखने हैं। अगर उसके पीछे वाले लेटर में सी एच या एक्स आता है तो आप क्या करोगे, उसको ई एस जोड़ के उसको मैनी में बदल दोगे। ठीक है, अभी बेंच है, बेंच के साथ मैंने ई एस जोड़ दिया और क्या बना दिया, बी ई एन सी एच ई एस बेंचेस। ये एक बेंच था, ये बहुत सारे बेंचेस हो गए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, जब जब एक्स होगा या जब सी एच होगा उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, इस क्या ऐड करेंगे, ई एस। ई एस ऐड के उस वन को हम मैनी में बदल देंगे। ठीक है, इसी के आधार पर है हमारी ये वाली एक्सरसाइज। अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। ओके चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऐड एस और ई एस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू शो मैनी। जो अभी मैंने आपको समझाया कि ऐड आपको एस करना या ई एस ऐड करना है वन को मैनी में चेंज करने के लिए। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा बीईडी बेड। अभी किससे एंड हो रहा है, डी से, इसके पीछे क्या लगेगा, एस। आप बच्चे यहाँ पे जोड़ो एस, और ये एस को जोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा, बीई डी एस बेड्स। ये एक बेड था, अब ये बहुत सारे बेड बन गए, वन और ये मैनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, बी आई आर डी बर्ड, बर्ड। अब ये एंड किससे हो रहा है, डी से, इसको हम मैनी में करने के लिए क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे कि एस जोड़ेंगे, एस। आप बच्चे यहाँ पे लिखो एस, और एस को जोड़ने के बाद ये वर्ड कैसे बन जाएगा, बी आई आर डी एस बर्ड्स। एक चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम एफ ओ एक्स फॉक्स। अब इसको किससे जोड़ोगे, एस लगाओगे कि ई एस लगाओगे, व्हाट डू यू ऐड, दिस इज एंडिंग विद एक्स, सो व्हाट डू यू ऐड ओवर हियर, विल यू ऐड एन एस और एन ई एस एट द बैक टू मेक इट इनटू मैनी, यस यू विल ऐड ई एस, व्हाई, बिकॉज़ इट इज एंडिंग विद लेटर एक्स, है ना। मैंने क्या बताया था, जिसके आखिरी में अगर ये वर्ड एंड होते हैं अल्फाबेट एक्स से, तो क्या बने, क्या जोड़ोगे उसके साथ, एक्स के साथ ई एस, और इसको कैसे बदल दोगे, एफ ओ एक्स ई एस फॉक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ, एंड किससे हो रहा है, ई से, ई के पीछे हम क्या लगाएंगे, एस, और इसको क्या लिख देंगे हम, जी आई आर ए डबल एफ ई एस जिराफ्स। ठीक है, ये एक जिराफ, ये बहुत सारे जिराफ, दिस इज वन जिराफ एंड दिस इज मेनी जिराफ्स। ओके, नाउ द लास्ट वर्ड इज एल आई ओ एन लायन, एंडिंग विद एन, व्हाट यू विल ऐड ओवर हियर, एस और ई एस, एस, एंड हाउ यू विल राइट इट, एल आई ओ एन एस लायंस। एक शेप और बहुत सारे शेप। ओके, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी नाइसली। When a word is ending with X or when a word is ending with CH, what you will add at the back? अब क्या जोड़ोगे पीछे? ES. ठीक है?